नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस के और एक वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरे एजे थ्री डेस की न्यू यूट्यूब चैनल है, जिसमें बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं। आप वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कितने टारगेट अचीव हुए, कितने टारगेट अचीव नहीं हुए। तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो टारगेट एनालिसिस होता है वो 85 से 90% अचीव हो जाता है फ्रेंड्स। और मैं जो लेवल प्रोवाइड करता हूँ वो आपको फ्री में देता हूँ। इसमें कोई भी चार्जेस मैं आपको आपसे नहीं मांग रहा हूँ। किसी को न्यू डीमैट अकाउंट में करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन भी कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, मैंने 1 वीक पहले आपको जो 3 स्टॉक दिए थे उस स्टॉक का उसने क्या किया वो हम अभी पहले देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहला स्टॉक मैंने आपको दिया था गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर मैंने आपको बताया था 751 के ऊपर निकलेगा। तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था फ्रेंड्स 751, सेकंड टारगेट दिया था मैंने 764 और थर्ड टारगेट मैंने आपको दिया था 778। आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स कि उसने थर्ड टारगेट 7 अप्रैल को उसने अचीव कर लिया। वैसे देखा जाए तो 5 अप्रैल को ही उसने अचीव कर लिया था और नेक्स्ट डे वो डाउन आया और बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद उसने हाई मारा 8 अप्रैल को 8:30 तो उसने हाई मारा फ्रेंड्स। तो ये हमारा टारगेट जो दिया था मैंने वो उसने अचीव कर लिया था फ्रेंड्स। और सेकंड स्टॉक दिया था मैंने आपको रिलायंस, सेकंड स्टॉक था हमारा फ्रेंड्स रिलायंस। रिलायंस में मैंने आपको बोला था, शायद यहाँ पे बोला था मैंने 31 मार्च को कि अगर वो 2628 ब्रेक करेगा तो उसका टारगेट मैंने आपको पहला दिया था 2607 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 2587। उसने 2 दिन उसने ग्रीन कैंडल में क्लोज किया, लेकिन तीसरे दिन यानी 5 अप्रैल को वो डाउन आया और मैंने जो टारगेट दिया था आपको वो 6 अप्रैल को उसने दोनों टारगेट एक ही दिन में अचीव कर लिया और उसने लो मारा 8 अप्रैल को फ्रेंड्स 2560। तो मैंने जो टारगेट दिया था वो उसने अचीव कर लिया फ्रेंड्स 1 वीक के अंदर। मैं जो भी स्टॉक का वीडियो बनाता हूँ वो 1 वीक के लिए वैलिड रहेगा फ्रेंड्स। अगर 1 वीक में वो टारगेट नहीं आता है तो आप इसमें ट्रेड से बाहर निकल जाना पड़ता है हमको, ये बात आप याद रखना। और तीसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था फ्रेंड्स एच डी एफ सी बैंक का मैंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे वो ग्रेवी स्टोन लोजी बनाया था जो नेगेटिव कैंडल होती है, लेकिन कुछ न्यूज़ की वजह से वो नेक्स्ट डे यानी 1 अप्रैल को वो प्लस में हुआ था और 2 अप्रैल को उसने गैप अप ओपन किया था, यानी हमारा जो टारगेट मैंने दिया था वो उसमें एक्टिव ही नहीं हुआ। क्योंकि जो मैंने आपको लेवल दिया था 1465 के नीचे जाएगा तो उसको डाउन की साइड में यानी पुट बाय कर सकते हो या उसको सेल करना होता था, जो एक्टिव नहीं हुआ तो इसकी गिनती भी हम नहीं करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से 3 स्टॉक मैंने निकाला है आपके लिए जिसमें हमें प्रॉफिट मिल सकता है फ्रेंड्स। पहला स्टॉक है ग्रासिम को आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स तो रजिस्ट्रेशन के पास खड़ा है 1 टाइम्स 2 टाइम्स। अगर इस रजिस्ट्रेशन को वो कल या नेक्स्ट वीक 2 दिन में ये ब्रेक करेगा, उसका लेवल आ रहा है 1786। अगर 1786 ब्रेक करेगा तो अपसाइड में उसका पहला लेवल आ सकता है 1807 और दूसरा टारगेट आ सकता है अपसाइड में उसका 1833। 19-20 आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, इसको आपको खुद को समझना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस मैं नहीं दे रहा हूँ इसमें क्योंकि स्टॉप लॉस का आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कितना लॉस सहन कर सकते हो। ओके, और दूसरा स्टॉक दे रहा हूँ मैं आपको कॉलगेट पाम है ये, जो लगातार यहाँ पे आप देखोगे, इसको निकाल लेता हूँ, यहाँ पे चेक करोगे ये लगातार ऊपर जा रहा है और लास्ट फ्राइडे को उसने बेरिश कैंडल बनाया जो पूरा रेड है। इसका मतलब ये होता है कि टॉप से अभी वो सेलिंग प्रेशर उसमें आ रहा है और अगर नेक्स्ट वीक में यानी मंडे को या ट्यूसडे को 1560 ब्रेक करता है फ्रेंड्स तो उसका पहला टारगेट डाउन की साइड में आएगा 1550 और 1536 उसका दूसरा टारगेट रहेगा, जिसको मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ 1540, यानी 20 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल सकता है नेक्स्ट वीक में फ्रेंड्स।
इसके ऊपर नज़र बनाए रखना। और तीसरा स्टॉक मैं दे रहा हूँ आपको, तीसरा स्टॉक है फ्रेंड्स रामको सीमेंट। रामको सीमेंट में यहाँ पे आप चेक करोगे फ्रेंड्स, तो उसने एक डोजी कैंडल बनाया है, दो दिन से लगातार डोजी बना रहा है वो। अगर मंडे को 815 ब्रेक करता है, 815-816 ब्रेक करता है, तो उसका पहला टारगेट अपसाइड में आ सकता है 825, और दूसरा टारगेट उसका अपसाइड में आ सकता है 836। यानी यहाँ पे आप चेक करोगे तो 20 पॉइंट करीबन 18-20 पॉइंट आपको मिल सकता है, जो अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है इसके अंदर। और इसमें मैंने स्टॉप लॉस निकाला है फ्रेंड्स, इसका स्टॉप लॉस रहेगा 800 रुपीज़। ओके, ये हो गया रामको सीमेंट। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।